हेलो गाइस, आज हम सरसों की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। ये सरसों के पौधे हमने कुछ समय पहले लगाए थे, लगभग 1 महीने पहले, और इसमें हमने सिर्फ गोबर की खाद डाली थी। और देखिए आप, ये कितने बड़े हो चुके हैं और आज हम इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। और इसमें थोड़ा समय ज़्यादा हो गया शायद, इस वजह से कुछ पौधों में फूल भी आ गए हैं। पर ये पालक सॉरी सरसों बहुत ही कच्ची है और आज हम इसका साग बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे घर पे। इसलिए हम तोड़े देखिए इसके हरे हरे कितने अच्छे पत्ते हैं जो हम छांट छांट के तोड़ रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये काफ़ी अच्छे पत्ते हैं। और हमारा चैनल ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहेगा। सरसों उगाना बहुत ही आसान है, सिर्फ कि जो घर में जो राई यानी सरसों के बीज होते हैं, आप कहीं भी मिट्टी खोद कर में थोड़ी सी गोबर मिक्स करके वहाँ डाल दें, और थोड़ा पानी डालने के बाद वो अपने आप उग जाते हैं। इनको उगाना बहुत आसान होता है। देखिए हमने चारों तरफ लगाई हुई है सरसों, हमने कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की, बस इसको दानों को छिड़क कर छोड़ दिया था। और आज ये इतनी सारी हो गई हैं कि लगातार हम पूरे महीने भी खाएं तो ये ख़त्म ना हो। ये छोटी सी जगह पर है, ये देखिए छोटे छोटे पत्ते हैं जो हम तोड़ रहे हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट होंगे और लाजवाब होंगे। देखिए हमने इतने सारे पत्ते इकट्ठे कर लिए हैं और हम इनका आज बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी सब्जी बनाकर खाएंगे। देखिए चारों तरफ कितनी खूबसूरत सरसों के पौधे हो गए हैं, ये कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं। मुझे तो शायद ये डेढ़